बॉडीज वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। समझिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का? इट इज favorable outcomes upon total outcomes, right? favorable or total outcomes समझो। For example, in tossing a coin के केस में total outcomes क्या हो सकते हैं? या तो head आएगा या tail आएगा, ठीक? तो total outcomes कितने हो गए? 2। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 2, राइट? अब फेवरेबल आउटकम्स डिपेंड करते हैं इवेंट पे, हम क्या ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनों में हेड है? 1 में हेड है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 1, ठीक है। अगर हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, कितनों में टेल है? 1 में टेल है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1, ठीक है। तो इस तरह से हम, इसी तरह से डाइस के केस में समझो और क्लियर होगा। इन केस ऑफ डाइस व्हाट आर द टोटल आउटकम्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो टोटल आउटकम्स आर 6, राइट? अब फेवरेबल आउटकम्स डिपेंड करेगा क्या इवेंट है। सपोज हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ डाइस, राइट? तो इवन नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3, राइट? और समझो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ध्यान से देखो 1, 3, 5 कितने हैं? 3, राइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? 4 एंड 6। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट? तो देखो आप यहां से 4 एंड 6 आर कंपोजिट नंबर, देन फेवरेबल आउटकम्स 2, राइट? और समझो फेवरेबल आउटकम्स क्या कभी टोटल आउटकम्स से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, राइट? तो कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट? क्या इक्वल हो सकती है? हो सकती है। कब? जैसे अगर मैं कॉइन के केस में कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 2, राइट? तो कहने का मतलब है कि फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स के इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से ज्यादा नहीं होगी, उससे लेस होगी, राइट? और समझो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? फेवरेबल आउटकम्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे। कि क्या जीरो हो सकते हैं? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन टॉसिंग अ कॉइन? कॉइन को टॉस करने में 2 आ जाए, आ सकता है? नहीं आ सकता, देन फेवरेबल आउटकम्स 0, राइट? तो 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो आप आगे समझो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है और 0 और 1 भी हो सकती है। अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऐसी इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, राइट? और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब दैट इवेंट इज श्योर इवेंट, 100% होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन राइजेज इन द ईस्ट? क्या होगी बताओ? हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, तो श्योर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन राइजेज इन द वेस्ट? हो सकता है कभी वेस्ट से राइज? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है, 0, राइट? तो आपने यहां से ये समझा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 होगी तो इम्पॉसिबल इवेंट और 1 होगी तो श्योर इवेंट।
और समझो, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता हो, कुछ भी हो सकती है वो एक्स, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, और हम इसको ई बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्या मतलब हो गया नॉट हैपनिंग द इवेंट? इट इज ऑलवेज 1 माइनस एक्स, राइट. किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी पता है, हारने की निकालनी है, 1 माइनस, या तो जीतेगा या हारेगा, ठीक है ना. तो अब देखिए इसके क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, समझना ध्यान से, मैंने आपसे कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, राइट. अब मैं साइड चेंज कर दूं तो दोनों का सम कितना होता है, 1, राइट. सो यहां पर क्या आएगा, 1, ठीक. होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो अगर एक की पता है तो दूसरे की आप निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कितनी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो हो ही नहीं सकती, 0. और ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट. आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो 100% होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ठीक है. आगे लिख देते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं. आगे, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स. अब इसको समझो, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, यहां देखो ध्यान से. हमने अभी समझा था कि डाइस के केस में 6 आउटकम्स होते हैं. एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है. अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो कितना होगा, 1 टाइम है, 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक ही बार आ रहा है 2, 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितना होगा, 1/6, 4, 1/6, 5, 1/6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6. अब अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो तो कितना आएगा, 1. आप ऐड करके देखो, 1/6 6 टाइम्स ऐड होगा, क्लियर पता चला, 1 आएगा, ठीक है. तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज मींस एक एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी, राइट. तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1, ओके. आगे समझो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर और इक्वल होती है, 0 से, अभी समझाया था, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक. 1 से के इक्वल होगी या लेस होगी, और 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी, ना तो कभी निगेटिव होगी और ना ही कभी 1 से ज्यादा होगी, राइट. और समझो अब आगे, सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. अब आप पहले equally likely outcomes समझिए. Equally likely होता है जो ऐसे outcomes जो किसी और factors पर depend नहीं करते हैं. For example, अगर आप coin toss करें तो वो ये depend नहीं करता कि उस coin को कौन toss कर रहा है, कहाँ पर toss हो रहा है, किस time पर toss हो रहा है, किसी भी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इट इज इक्वली लाइकली. लेकिन सपोज कार स्टार्ट करनी है, तो वैसे सुनने में आपको लगेगा भाई दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी. कब, सपोज कार में फ्यूल ही नहीं है, तो क्या कार स्टार्ट होगी, बिल्कुल नहीं होगी. बैटरी चार्ज नहीं है, क्या कार स्टार्ट होगी, नहीं होगी. जो पर्सन स्टार्ट करने जा रहा है उसको अगर नॉलेज नहीं है तो भी कार स्टार्ट नहीं होगी. तो कहने का मतलब है कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है. सो दैट आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, आया आपके सामने. अब देखिए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट, कैसी है ये, इक्वली लाइकली है, नहीं है. अभी आपने समझा, इट इज नॉट इक्वली लाइकली एज इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स एज फ्यूल, बैटरी और पर्सन्स नॉलेज एटसेट्रा, राइट. नेक्स्ट देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शी शूट्स और मिसेस द शॉट,
बास्केटबॉल को शूट किया, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये डिपेंड किस पे करता है कि जो प्लेयर है उसकी ट्रेनिंग कैसी है। अगर उसको प्रॉपर ट्रेंड है तो उसके शूट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर अनट्रेंड है तो प्रोबेबिलिटी कम होगी, राइट। तो इट इज ऑल्सो नॉट इक्वली लाइकली एज इट डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, उसमें से रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करना है तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। सो इट इज इक्वली लाइकली एज इट डजंट डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स, सो इट इज इधर ट्रू और फॉल्स, राइट। आगे समझो, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, आइदर बॉय और गर्ल, इट डजंट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, सो इट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली एज इट डजंट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, इधर बॉय और गर्ल, राइट। आइए अब आगे करते हैं, समझो, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? अब समझो, किसी भी गेम में टॉसिंग होती है, क्यों करते हैं टॉस ही क्यों करते हैं कि बैटिंग पहले होगी या बॉलिंग पहले होगी या कौन फुटबॉल टीम पहले किक करेगी, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टॉसिंग अ कॉइन इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो ये डिपेंड नहीं करता है, अभी आपको समझाया मैंने कि ये कौन टॉस कर रहा है, कहाँ टॉस हो रहा है या किस टाइम पर टॉस हो रहा है, किन्हीं भी अदर फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इक्वली लाइकली, दैट्स वाई टॉसिंग अ कॉइन इज यूज टू डिसाइड विच टीम विल गेट द बॉल फर्स्ट। So answer is because the outcomes I head or tail are equally likely, right? Next देखिए, which of the following cannot be the probability of an event? और आप ध्यान से अगर options देखेंगे तो आपको clear दिखाई दे रहा है B probability नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि -1.5 है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, राइट। और बाकी को समझते हैं ये क्यों है, 2/3 लेस देन 1, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट। 15% 15% को आप सॉल्व करेंगे तो 15/100 करेंगे तो 0.15 लेस देन 1, 0.7 लेस देन 1, राइट। सो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल। अब आगे समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, अभी समझाया था आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या करना है, 1 में से माइनस कर दीजिए 0.05, राइट। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसलिए डिटेल में समझा रही हूँ, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, 1 के बाद पॉइंट लगाओ और 20 लिख दो और 0.05 अब माइनस करो, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट कर दो माइनस, कितना आएगा 0.95, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर ना होने की गिवन है, होने की निकालनी है तो भी 1 में से माइनस करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, समझना ध्यान से, लेमन फ्लेवर कैंडीज, राइट। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर की हैं तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी, राइट, कितनी होगी जल्दी बताओ, 0, क्योंकि जब सारी लेमन है तो ऑरेंज की तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। आगे देखो, अ लेमन फ्लेवर कैंडी, जब सारी लेमन फ्लेवर कैंडी है तो लेमन फ्लेवर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, 100% 1, राइट, श्योर इवेंट है, अगर सारी लेमन फ्लेवर है तो लेमन फ्लेवर ही आएंगी। आगे देखो, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992,
दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? ना होने की आपको गिवन है, ठीक है, और होने की पूछी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, राइट, इट इज इक्वल टू 1 - 0.992. फिर उसी तरह से पॉइंट के बाद 30 लगा के माइनस करना तो कितना आएगा 0.008, राइट. नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. अ बैग कंटेन्स 3 red balls, 3 red and 5 black, राइट. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? अब समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपको निकालनी है, ठीक है. रेड है कितनी? 3 और ब्लैक 5, तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 3 + 5, इट इज 8, राइट. अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड है कितनी? 3 और टोटल कितनी है? 8. आगे प्रोबेबिलिटी अगर कट होता है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज एज इट इज छोड़ दो, राइट. नॉट रेड, रेड ना हो. 8 में से 3 रेड है तो कितनी रेड नहीं है, मींस कितनी ब्लैक है? नॉट रेड कितना हो जाएगा? 5/8. आप वैसे क्या कर सकते थे, 1 में से भी माइनस कर सकते थे, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अ बॉक्स कंटेन 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles, राइट. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? सबसे पहले तो हम टोटल निकालते हैं. टोटल मार्बल्स कितने हैं? 5 + 8 + 4. ऐड कर दो फटाफट. यस, 12 + 5, इट इज 17. ओके, अब रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल. रेड मार्बल है कितने देखो? 5 और टोटल कितने हैं? 17. ओके, सॉल्व. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट देखो, कितने व्हाइट मार्बल्स हैं जल्दी से? 8 व्हाइट मार्बल्स और टोटल 17. डन. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, अब समझना ध्यान से, ग्रीन ना हो. ग्रीन है कितने? 4. तो ग्रीन कितने नहीं है? 5 + 8. या आप ये भी कर सकते हैं, टोटल में से 4 माइनस कर दो, ठीक है ना. टोटल 17 है और ग्रीन कितने हैं? 4. तो नॉट ग्रीन आ गए अपॉन 17, ठीक है. तो कितना हो गया? 13/17. आई बस सर में सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. नेक्स्ट 10th, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइंस. ध्यान से देखो, 100 कॉइंस 50 पैसे के हैं. 50 कॉइंस 1 रुपी, 20 कॉइंस 2 रुपी एंड 10 कॉइंस 5 रुपीस, राइट. अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आप? टोटल कॉइंस कितने हैं? देखो टोटल कितने हैं, टोटल कॉइंस 100 तो 50 पैसे के हैं, 51 रुपीस के हैं, 22 रुपीस के कॉइंस है और 10 5 रुपीस कॉइंस है, ठीक. ऐड करते हैं तो कितना आया? टोटल 180. इतने टोटल कॉइंस है, राइट. अब वन बाय वन देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइंस है देखो ध्यान से? 100 और टोटल कॉइंस कितने हैं? 180. कर दो सॉल्व, राइट. 2 5 जा 2 9 जा, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5/9, राइट. विल नॉट बी द 5 रुपी कॉइन. 5, आप देखो 5 रुपीज, यहां समझना ध्यान से, यहां 50 पैसा कॉइन से, यहां 5 रुपी कॉइन है, ठीक है. 5 रुपीज कॉइंस ना हो, नॉट रुपीज 5 कॉइन. अब क्या बताया था? टोटल में से 5 रुपीज कॉइंस माइनस कर दो. टोटल कितना है? 180 और 5 रुपीज कॉइंस कितने हैं? 10. माइनस कर दो तो नॉट वाले आ जाएंगे और अपॉन टोटल 180, इट इज 170/180. आंसर इज 17/18. ओके, नेक्स्ट देखिए. गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप
for his aquarium, the shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Right? What is the probability that the fish taken out be male fish? पहले ये total fish calculate करते हैं. How many total fish are there? 5 + 8. कितना हो गया? 13. अब कौन सा पूछा है आपसे? 5 probability of male fish. देखो male fish कितनी है? 5 upon total 13. Solve. बहुत जल्दी होते हैं probability के question solve, but आपको ध्यान से करने हैं. 12th, a game of chance consisting of spinning an arrow. Look here. Which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यह आपको डायग्राम गिवन है. 8 numbers हैं और ये पॉइंटर किन्हीं भी numbers पर आएगा. And these are equally likely outcomes. सबके chances equal हैं. What is the probability that it will point at 8? 8 पर आने की probability कितनी होगी? सोचो जल्दी से. Probability of 8. सब इक्वली लाइकली हैं, ठीक है? तो 8 कितनी जगह पर है आप काउंट करो. कितने पार्ट्स में है? 1 पार्ट पे है, राइट? और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8. ठीक. आगे एन ऑड नंबर. अब देखो कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं. 1, 3, 5, 7. देयर आर 4 ऑड नंबर्स. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 4. और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8. तो आंसर इज 1/2, राइट? अ नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से ग्रेटर कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. देयर आर 6 नंबर्स ग्रेटर देन 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2. कितने नंबर्स हैं? 6. और टोटल 8. कट कर दो, 2, 3 जा 2, 4 जा, राइट? और देखते हैं अ नंबर लेस देन 9. प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 नंबर. 9 से छोटे कितने नंबर है? सारे नंबर्स लेस हैं, 8 के 8 नंबर्स. और टोटल आउटकम्स 8. आंसर इज 1, राइट? तो सारे नंबर्स 8 से लेस हैं. क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैसी इवेंट है जल्दी बताओ. श्योर इवेंट हमेशा 9 से लेस पर ही आएगा, राइट? नेक्स्ट देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 एंड ऑड नंबर. अब पहले तो समझो एक डाई के केस में कितने आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6. क्या क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही तो होते, राइट? जो लूडो की गोटी होती है, राइट? अब अ प्राइम नंबर ध्यान से समझो. व्हाट इज प्राइम नंबर? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है प्राइम नंबर में, समझना ध्यान से. क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? मोस्टली जो मुझे आंसर मिलता है जब भी मैं बच्चों से पूछती हूँ, मैम जो खुद से कट जाए और वन से कट जाए वो प्राइम नंबर, ठीक है? बट ये सही डेफिनेशन नहीं है. उसको समझने के लिए पहले मैं कुछ नंबर्स दे रही हूँ, आप उसके फैक्टर्स बताओ मुझे, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, राइट? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनके फैक्टर्स बताओ जल्दी से क्या क्या आएंगे. ऑल फैक्टर्स, 1 के फैक्टर 1, ठीक. फैक्टर ऑफ 2 1, 2. फैक्टर मीन्स जो इन नंबर्स को डिवाइड करते, राइट? 3 के फैक्टर 1, 3. फैक्टर ऑफ 4 1, 2 एंड 4, राइट? 5 फैक्टर्स 1 एंड 5. 6 के फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6. फैक्टर ऑफ 7 1 एंड 7. फैक्टर ऑफ 8 1, 2, 4 एंड 8, राइट? अब आप समझो व्हाट आर प्राइम नंबर्स, द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. क्या कहा मैंने? वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. कौन कौन से? अब वो 2 फैक्टर भी क्या होने चाहिए वो भी फिक्स हैं.
क्या होने चाहिए, एक तो वन, वन तो आप देखो सबका फैक्टर है, और आप देख रहे हो ध्यान से जो नंबर होता है वो भी फैक्टर होता है अपना, ठीक है। तो वो दो फैक्टर क्या होने चाहिए, वन एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, कौन कौन से, वन एंड नंबर इटसेल्फ, दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो आप एग्जाम्पल मुझे बता सकते हो कौन कौन से नंबर प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स है, टू देन थ्री देन फाइव, सिक्स नहीं है देन सेवन एंड सो ऑन, चलते चले जाओ, ठीक है। तो अगर आपसे अब पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू। एक क्वेश्चन और आता है व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर, दैट इज ऑल्सो टू, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, सिर्फ एक टू ही इवन नंबर है जो कि प्राइम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। आप समझो, एग्जाम्पल समझो, सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है, देखो ध्यान से, किसके मोर देन टू फैक्टर्स है, फोर देन सिक्स देन एट नाइन टेन, और चलते चले जाओ आगे, ठीक है। तो यहां से आप कुछ नोटिस कर रहे हो, व्हाट अबाउट वन, क्या कहेंगे आप वन के बारे में, वेदर इट इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नो, इट इज नाइदर प्राइम नंबर नॉ कंपोजिट नंबर। व्हाई, अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं है, बिकॉज वन हैज ओनली वन फैक्टर, फॉर प्राइम नंबर वी नीड टू फैक्टर्स, फॉर कंपोजिट नंबर वी नीड मोर देन टू फैक्टर्स, राइट। एज वन हैज ओनली वन फैक्टर सो इट इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, याद रहेगा आपको, वन इज neither prime nor composite as it has only one factor, very important point, ध्यान रखना, right, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा सारा concept। अब देखो यहां पर प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, जल्दी से बोलेंगे कितने प्राइम नंबर्स हैं, दोबारा दिखाना पड़ेगा, देखो कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, टू थ्री फाइव, राइट। तो टू थ्री फाइव कितने प्राइम नंबर्स हैं, थ्री प्राइम नंबर्स, कौन कौन से, टू थ्री एंड फाइव, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, थ्री अपॉन सिक्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो फेवरेबल में प्राइम नंबर कितने हैं, थ्री हैं, और टोटल नंबर्स सिक्स, सॉल्व कर दो कितना आ गया, वन अपॉन टू। ये मैं आपको साइड में इसलिए बता रही हूँ, इसका आंसर नहीं है, मैं आपको साइड में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इनमें कौन कौन से प्राइम नंबर है, राइट। नेक्स्ट, नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स, अब यहां समझो, यहां क्या कंफ्यूजन होता है कि मैम ये टू और सिक्स भी काउंट करने हैं कि नहीं करने हैं। आप ध्यान से देखो, बिटवीन लिखा है, इन दोनों के बीच में जो नंबर आते हैं सिर्फ वही लेने हैं, तो टू और सिक्स के बीच में तीन नंबर है, थ्री फोर फाइव, तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू एंड सिक्स कितने नंबर्स हैं, थ्री नंबर्स, सो थ्री अपॉन सिक्स, वन अपॉन टू, कौन कौन से हैं यहाँ पर, थ्री फोर फाइव, यही नंबर्स हैं बस, ठीक है। आगे देखो, ऑड नंबर, ऑड नंबर तो आपको पता है कौन से होते हैं, ऑड नंबर जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वन थ्री एंड फाइव, देयर आर थ्री ऑड नंबर्स, सो थ्री अपॉन सिक्स, अगेन वन अपॉन टू, कौन कौन से नंबर्स हैं, वन थ्री एंड फाइव, राइट। हो गया सॉल्व, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली बच्चे प्राइम नंबर्स में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स,
वन एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। अभी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।